नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। खंडवा संयुक्त कृषक संगठन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है, जिसमें खंडवा तहसील के किसान भाई धरना आंदोलन में उपस्थित हुए और किसान भाइयों ने धरना स्थल पर ही भोजन बनाकर किया। भोजन की व्यवस्था रोहिणी ग्राम समिति के द्वारा की गयी और स्थल पर ही रात्रि विश्राम किया। स्थल पर उपस्थित खंडवा तहसील अध्यक्ष रविन्द्र पाटीदार, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जिला मंत्री आशीष बरोले, खंडवा तहसील उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह मंडलोई, चंदन सिंह, चंदील दर्शन सिंह, संजू पटेल, जगदीश पटेल, तिलोक चंद, लेवा जगन पटेल, राजेश पटेल, जगदीश पटेल, राजेंद्र सिंह और रामपाल सिंह पटेल, बसंत सिंह सोलंकी, कैलाश सिंह, राधेश्याम सिंह, भगवान सिंह, डॉक्टर दीपक लाड़, शिविर सिंह, शेर सिंह, तवर करण सिंह, देवेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, गणेश सिंह, मनोहर सिंह, विनोद सिंह मौजूद रहे। भगवान बलराम की जय। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, भगवान बलराम की, भगवान बलराम की, बाटी रोटी जगदीश भाई, ओ जगदीश भाई, ओ जगदीश भाई, इधर देखो। वीडियो बन रहे हैं तो इतनी जोर से चिल्ले रहे थे। नहीं रघुवीर भाई, आज यहाँ धरने को कितने दिन हो गए और किस चीज़ को लेकर यहाँ पर बैठे? भाई साहब, ये आज दूसरा दिन है हमारे धरने के लिए और हम संयुक्त कृषक संगठन के माध्यम से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी मांगे हैं वो है कि अभी लगभग 45 दिन तक सूखे की स्थिति रही। उसके बाद जब हमने आंदोलन किया था 5 तारीख में, तब भी सरकार ने हमारी कोई मांगे नहीं पूरी की। उसके बाद फिर पानी आया तो पहले तो सूखे की मार, इसके बाद पानी इतना अधिक गिरा कि फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, सड़ गई और खेतों में पानी भर गया। तो हमारी जो मांगे हैं कि प्रत्येक किसान को सर्वे कराकर उसकी उचित मुआवजा राशि दी जाए, जैसा कि कमलनाथ सरकार में स्वयं शिवराज सिंह ने कहा था कि किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है तो मुख्यमंत्री महोदय 40,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दें। तो आज तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है, तो हमारा कहना भी यही है कि श्रीमान जी, आपने जब उनसे मांग की तो क्या आप इस आपकी इस योजना को धरातल पर नहीं ला सकते? जबकि आज किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसकी साल भर तक पेट भरने की स्थिति नहीं है। बस इन्हीं मांगों को लेकर हमने यहाँ धरना दिया है। वो जो गैस जल रही है वो क्या भोजन यही बना रहे कैसा क्या? जी हाँ, कल से सभी किसान बंधु यहीं पर रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं, रात्रि का भोजन भी यहीं पर बन रहा है और आगे भी पता नहीं, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती इसी प्रकार से भोजन यहीं बनेगा और किसान बंधु यहीं पर रहेंगे।
तो सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए अभी तो ये केवल एक चेतावनी भर है यह धरना, और अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो ये आंदोलन एक उग्र रूप भी ले सकता है, और इसमें जिला कार्यालय का घेराव भी हो सकता है, वहाँ पर धरना दिया जा सकता है, या अन्य कई प्रकार से और भी आंदोलन किए जा सकते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह मंडलोई, संयुक्त कृषक संगठन में खंडवा तहसील का उपाध्यक्ष। खंडवा से खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.